हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चेतन गुरु चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेनिट्रेंट टेस्टिंग क्या है, ये मेथड किस तरह से काम करता है और किस एएसएमई कोड के तहत ये काम करता है, और इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले आप नए वीडियो, अपकमिंग वीडियोज वगैरह और भी देख सकते हैं आप इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पेनिट्रेंट टेस्टिंग मेथड है क्या और इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले पेनिट्रेंट टेस्टिंग ये क्यों किया जाता है। एक्चुअली ये एएसएमई कोड के अंदर एक बनाया गया मेथड है जो सभी कंपनियां, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, वो सब इसको फॉलो करती है। मोस्ट ऑफली जो प्रेशर वेसल वगैरह, बॉयलर वगैरह बनाती है ऐसी कंपनियां, जो प्रेशर वगैरह, प्रेशर पार्ट वगैरह बनाती है ऐसी कंपनियां इस स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। एएसएमई, एएसएमई मीन्स होता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके अंदर क्या है कि एएसएमई के अंदर बॉयलर एंड प्रेशर वेसल कोड है जो सेक्शन 5 के अंदर आर्टिकल 6 के अंदर दिया हुआ है कि लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग आपको एग्जामिनेशन करना है। और साथ ही साथ यही बॉयलर और प्रेशर वेसल के लिए आर्टिकल 24 में भी दिया हुआ है कि आपको ये मेथड फॉलो करना है, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग एग्जामिनेशन। और इसका जो एएसटीएम इसका कोड है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल, इसका जो एग्जामिनेशन है 165, इसके अंदर पीटी किस तरह से आपको फॉलो करना है, पीटी मेथड किस तरह से आपको यूज करना है, वो आपको इसमें बताया गया है। फिर बाद में एएसटीएम, जो मैंने बताया एएसटीएम इंटरनेशनल, ये कोड है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल, इसमें एग्जामिनेशन 165 के अंदर प्रैक्टिस फॉर लिक्विड पेनिट्रेंट एग्जामिनेशन फॉर जनरल इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिस किस तरह से आपको ये मेथड यूज करना है, इसकी पूरी एक प्रैक्टिस का कोर्स होता है, वो कोर्स करना होता है। उसके बाद आपको वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आपको उस मेथड से नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन आप कर सकते हैं। और इसका जो एएसटीएमई का 1417 जो कोड है, वो आप प्रैक्टिस फॉर लिक्विड पेनिटेंट एग्जामिनेशन, जो आप लिक्विड पेनिटेंट जो टेस्टिंग मेथड करते हैं उसके लिए यूज होता है। और भी बहुत सारे कोड है, वो इसके बारे में मैं आपको शॉर्टली इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि पेनिट्रेंट टेस्टिंग मेथड है क्या। ये एक बहुत ही कॉमन मेथड है और लो कॉस्ट मेथड है। ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड है जो, जिसको हम लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग, पीटी भी बोलते हैं, इसको लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन, एलपीआई भी बोलते हैं जिसे, एंड डाई पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन जिसे डीपीआई भी बोलते हैं। तो ये टेक्निक क्या है, मोस्टली कैपिलरी रिएक्शन पे काम करता है। अब कैपिलरी रिएक्शन क्या है, कैपिलरी रिएक्शन है ए एबिलिटी ऑफ ए लिक्विड, मतलब लिक्विड का एक एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स उसकी क्षमता टू फॉलो ए नैरो स्पेस विदाउट द असिस्टेंस ऑफ ए ह्यूमन इन अपोजिशन। तो इसका एबिलिटी है लिक्विड का कि वो छोटा, बिल्कुल छोटे छोटे स्पेस में विदाउट, बिना किसी दबाव के वो किस उस जगह तक पहुंच जाता है, इंटरनल फोर्सेस लाइक ग्रेविटी, बिना किसी फोर्स के, और उस डिटेक्ट द सरफेस ब्रेकिंग डिफेक्ट, जहाँ आपका कुछ कमी है, आपकी डिफेक्ट है किसी जॉब में आपका, तो वहाँ तक ये लिक्विड आप वहाँ पहुँच जाता है। और उसके बाद ये पेनेट्रेंट होता है, वो अप्लाई होने के बाद में इसको कुछ टाइम ड्वेल टाइम देने के बाद में, उसको एक्सेस करने के बाद में डेवलपर अप्लाई करके, जब ये वापस लिक्विड बाहर आता है तो उस टाइम सरफेस से ब्रेकिंग डिफेक्ट, उसका डिफेक्ट का वापस बाहर आना, मतलब जो डाई अंदर गई है उसका वापस बाहर आती है, तो उसके बाद में वो ब्लॉटेड आउट होती है और एक शेप ले लेती है जो डाई होती है। उसको बाद में उसको हम डिफेक्ट या डिस्कंटिन्यूटी जो भी है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस तरह से पेनिट्रेंट टेस्टिंग मेथड के बारे में आपको बताया मैंने कि लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग क्या है। उसके बाद आता है प्राइमरी एडवांटेज। अभी इसके एडवांटेज क्या है इस मेथड के, तो मोस्ट ऑफली एडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ कि
कि द मेथड हैज हाई सेंसिटिविटी टू स्मॉल सरफेस डिसकंटिन्यूटीज। इस मेथड के अंदर आप अच्छी मतलब विजुअल जो आपकी देखने की जो सेंसिटिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, और स्मॉल सरफेस डिसकंटिन्यूटी जो सबसे स्मॉल बिल्कुल छोटा सरफेस का डिसकंटिन्यूटी है आप इसमें डिफेक्ट इस मेथड में आप देख सकते हैं। कुछ भी छोटा छोटा इंडिकेशन आप इसमें देख सकते हैं। द मेथड हैज़ फ्यू मटेरियल लिमिटेशन, एग्जाम्पल मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। ये जो मेथड है वो आप मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों पे कर सकते हैं, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक भी कर सकते हैं, और कंडक्टिव नॉन कंडक्टिव मटेरियल उन पे भी आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। लार्ज एरिया एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ पार्ट और मटेरियल कैन बी इंस्पेक्टेड रैपिडली एंड लो कॉस्ट। जो ज़्यादा बड़ा एरिया है, वॉल्यूम मटेरियल है, उसको आप बिल्कुल कम प्राइस, कंपनी को ज़्यादा लॉस ना हो उसके लिए ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, पेनिट्रेंट टेस्टिंग मेथड। ये कंपनी को बिल्कुल कम कॉस्ट में ये मेथड यूज हो जाता है, जिससे कि अपने जॉब में कुछ भी डिफेक्ट वगैरह हो तो उसका हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि इसमें किसी तरह का डिफेक्ट तो नहीं है। ये बिल्कुल लो कॉस्ट मेथड है। पार्ट विथ कम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक शेप आर रूटीनली इंस्पेक्टेड। ऐसा शेप है जहाँ आप मतलब कुछ दूसरा मेथड पॉसिबल नहीं है उस जगह आप ये मेथड यूज कर सकते हैं, ये इजीली रहता है। और उसके बाद इंडिकेशन आर प्रोवाइडेड डायरेक्टली ऑन द सरफेस ऑफ द पार्ट एंड कंस्टिट्यूट ऑफ ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लो। तो इसमें क्या होता है, इंडिकेशन होता है वो डायरेक्टली आपको सरफेस पे दिखेगा और विजुअल रहेगा, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि इस तरह में इसमें किस तरह का डिफेक्ट है, वो आप आसानी से इसमें देख सकते हैं, ये इसका एक एडवांटेज है। और इसमें एरोसोल स्प्रे कैन मेक पेनिट्रेंट मटेरियल वेरी पोर्टेबल। इसमें क्या होता है, एरोसोल के जो स्प्रे कैंस आते हैं उसमें ये मटेरियल्स आता है, उस मटेरियल के कारण ये मेथड क्या है, पोर्टेबल है, जिसको हम कहीं भी आसानी से कहीं ऊपर नीचे चढ़ना हो जॉब पे तो वहाँ से आसानी से इस जॉब से वो मेथड यूज कर सकते हैं और किसी भी जॉब का हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं इस मेथड से। पेनिट्रेंट मटेरियल एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव। जो इसका जो मटेरियल होता है और जो इक्विपमेंट वगैरह होता है बहुत ही कम है, और रेयर केस में इसके जो एक्सपेंस इतना नहीं है, बहुत ही लो कॉस्ट रहता है, इसके लिए मेथड मोस्टली यूज होता है। ये इसके एडवांटेज है। अभी मैं आपको इसके डिसएडवांटेज बता देता हूँ। इसके डिसएडवांटेज क्या है, ओनली सरफेस ब्रेकिंग डिफेक्ट कैन बी डिटेक्ट। इसमें क्या होता है, ओनली सिर्फ सरफेस के अंदर जो डिफेक्ट है उसी का हम पता लगा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि पीटी सिर्फ ओनली ओपन टू सरफेस डिस्कंटिन्यूटी चेक करने के लिए किया जाता है। अगर सरफेस का मुंह खुला है तो ही हमारा जो पीटी का जो मेथड है वो सक्सेस है, वरना सक्सेस नहीं है। तो ये सरफेस ब्रेकिंग डिफेक्ट का ओनली पता लगा, सब सरफेस का इसमें पता नहीं लगा सकते कि सब सरफेस में अपना किस तरह का डिफेक्ट है, वो हम इसमें चेक नहीं कर सकते हैं। ओनली मटेरियल विथ ए रिलेटिवली नॉन पोरस सरफेस कैन बी इंस्पेक्टेड। इसमें क्या होता है, ओनली नॉन पोरस मटेरियल, नॉन पोरस मीन्स अछिद्र, मतलब बिना छिद्र, जैसे अपना प्लास्टिक हुआ, कांच हुआ, ऐसा ओनली उसमें इस तरह के मटेरियल हम इंस्पेक्टेड कर सकते हैं। लकड़ी वगैरह, रबड़ वगैरह ये हम उसमें इंस्पेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि वो पोरस मटेरियल है, छिद्र मटेरियल है, क्योंकि जब हम डाई लगाएंगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है उस लिक्विड को, तो वो इस तरह से उसको ये नॉन पोरस मटेरियल पे ओनली होता है, सरफेस जो रहता है उसी पे हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। प्री क्लीनिंग इज क्रिटिकल सिंस कंटेमिनेंट्स कैन मास्क डिफेक्ट। इसमें प्री क्लीनिंग एक क्रिटिकल मेथड है, अगर उस पर किसी जॉब पे वह परफॉर्म कर रहे हैं उस पर बहुत सारे दूसरे उसी तरह जिस तरह के इंडिकेशंस आते हैं उस तरह के कोई अलग डिफेक्ट्स वगैरह है, तो ये प्री क्लीनिंग एक मेथड उसमें बहुत क्रिटिकल रहता है। मेटल सिमरिंग फ्रॉम मशीनिंग ग्राइंडिंग एंड ग्रीट और वेपर ब्राइजिंग मस्ट बी रिमूव्ड प्रियर टू LPA। इसमें क्या होता है, जब प्री क्लीनिंग होता है उसमें अगर आपका जॉब का सरफेस का
जो कंडीशन है वो बराबर नहीं है, तो आपको उसमें मशीनिंग, ग्राइंडिंग या ग्रिट, वेपर, ब्लास्टिंग और इस तरह के मेथड यूज करके आपको सरफेस को बराबर क्लीन करना रहता है पहले। अगर आपका सरफेस क्लीन नहीं रहेगा तो आप ये मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक डिसएडवांटेज है कि आपका सरफेस बराबर होना चाहिए, उसके लिए आपको ग्राइंडिंग करना पड़ेगा वगैरह, और भी मेथड है यूज करके आपको सरफेस को क्लीन करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। द इंस्पेक्टर मस्ट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द सरफेस बीन इंस्पेक्टेड। इसमें क्या होता है, जो इंस्पेक्टर होता है जो चेक करता है, तो उसको डायरेक्ट उसको वहीं पे रहना पड़ेगा सरफेस, मतलब उसको चेक करना पड़ेगा किस तरह का डिफेक्ट है, वहीं पे रहकर उसको चेक करके पता करना पड़ेगा कि किस तरह का, आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड वगैरह सब मेंटेन करना पड़ेगा कि किस तरह का डिसकंटिन्यूटीज है वगैरह सारा। वो इसमें एक डिसएडवांटेज है, उसको वहाँ पे रहना ज़रूरी है इंस्पेक्टर को। सरफेस फिनिश एंड रफनेस कैन अफेक्ट इंस्पेक्शन सेंसिटिविटीज। सरफेस फिनिश, इसमें क्या होता है, सरफेस का अगर फिनिशिंग बराबर नहीं है, रफनेस है, तो इंस्पेक्शन करते टाइम उसका जो सेंसिटिविटी है वो इतना अच्छा नहीं रहता है। फिर वो अपने इंस्पेक्शन करते टाइम फिर इंस्पेक्टर को जो डिस्कंटिन्यूटी वगैरह है उसको आइडेंटिफाई करने में उसको प्रॉब्लम रहता है। इसके लिए एक डिसएडवांटेज है कि अगर उसका सरफेस का आपका रफनेस है या फिनिशिंग बराबर नहीं है तो आपका इंस्पेक्शन बराबर नहीं रहेगा। मल्टीपल प्रोसेस ऑपरेशन मस्ट बी परफॉर्म्ड एंड कंट्रोल्ड। इसमें क्या होता है, अगर आप ये मेथड यूज कर रहे हो तो आपके साथ में और कोई दूसरे भी मेथड आपके पास में, जैसे कुछ भी आपको ग्राइंडिंग चल रहा है या ऐसा कुछ भी है, दूसरा जो प्रोडक्ट जो ऑपरेशन कुछ भी और जो प्रोसेस चल रही है वो इसकी वजह से रुक जाती है, मतलब इसके साथ में आप दूसरा काम नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्लेमेबल मटेरियल है, तो इसके साथ ग्राइंडिंग वगैरह और भी दूसरे कुछ प्रोसेस आप साथ में नहीं चला सकते, तो ये एक डिसएडवांटेज है। पोस्ट क्लीनिंग ऑफ एक्सेप्टेबल पार्ट ऑफ आवर मटेरियल इज रिक्वायर्ड। इसमें इतना रिक्वायर्ड नहीं रहता है पोस्ट क्लीन, लेकिन मोस्ट ऑफली पोस्ट क्लीन करना चाहिए क्योंकि अपना जॉब कहीं भी आगे क्रोजन ना लगे और दूसरे प्रोसेस जो भी है उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए पोस्ट क्लीनिंग इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये एक तरह से इसका डिसएडवांटेज है कि कुछ कुछ ऐसे जो पार्ट्स होते हैं उनमें रिक्वायर रहता है कि पोस्ट क्लीनिंग इस कंपल्सरी है, तो इसके लिए एक डिसएडवांटेज है। केमिकल हैंडलिंग एंड प्रॉपर डिस्पोजल इज रिक्वायर्ड। जो इसका केमिकल है एक तरह से जो, तो इसके लिए ग्लव्स वगैरह आपको पीपीज पूरे यूज करने रहेंगे, और इसको डिस्पोजल वापस किस तरह से इसको वापस स्क्रैप करना है वगैरह, आपको किस तरह से हैंडलिंग करना है, वो मोस्ट ऑफली एक डिसएडवांटेज है इसका, क्योंकि ये आग वगैरह ज़्यादा फ्लेमेबल रहता है तो उसको आग वगैरह पकड़ने का डर रहता है, इसके लिए इसको डिस्पोजल करना एक डेंजर पॉइंट है। तो इतना केमिकल इतना नहीं है लेकिन मोस्ट ऑफली इसको डिस्पोजल करने के लिए प्रॉपर जो टेक्निक है वो यूज करनी चाहिए। तो ये इसके कुछ कोड्स हैं, इसके बारे में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, उसके बाद में मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, इसमें आपको पूरा कोड के बारे में डिटेल बताने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वो आने वाले वीडियोज आप मेरे इस चैनल पे देख पाएंगे। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है, ISO कोड है, इसके अंदर 3059 है, उसके अंदर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ये मेथड है, इसमें पैटर्न टेस्टिंग एंड मैग्नेटिक टेस्टिंग, पार्टिकल टेस्टिंग, व्यूइंग कंडीशन, इसके बारे में ये आप इसमें दोनों मेथड कर सकते हैं। इस कोड के अंदर आपको इसका डिटेल मिलेगा पैटर्न टेस्टिंग एंड मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग का कंडीशन के बारे में। फिर ये जो कोड दिया है 3452 1 ISO का, उसमें आप पैटर्न टेस्टिंग पॉइंट जनरल प्रिंसिपल्स क्या है पैटर्न टेस्टिंग के वो उसमें देख सकते हैं। फिर उसके बाद 3452 2, उसके बाद नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग पैटर्न टेस्टिंग, इसमें पार्ट टू में पैटर्न टेस्टिंग मटेरियल्स के बारे में आप इसमें यहाँ देख इस कोड में जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद में ऐसे अलग अलग है रेफरेंस टेस्ट ब्लॉक के बारे में देख सकते हैं। फिर इसके बाद इक्विपमेंट क्या क्या है,
इस तरह से ये पूरे कोड है, आप यहाँ से उसको कॉपी कर सकते हैं, पॉज वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से राइट कर सकते हैं। उसके बाद ये यूरोपियन कमेटी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन CENG से बोलते हैं, ये इसके कुछ कोड है। तो एक्चुअली हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलग अलग स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, वो मैन्युफैक्चरर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है और हर कंपनी का अपना एक प्रोसीजर होता है, उसके हिसाब से कोड फॉलो होता है। तो इस तरह से कोड का एक बहुत अलग से एक चैप्टर मैं लेके आने वाला हूँ, वो आप मेरे दूसरे वीडियोज़ में देख सकते हैं। थैंक यू फॉर व्यू दिस वीडियो, थैंक यू।